सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग ठहरे हुए थे पुलिस स्टेशन में, ये था हमारा पुलिस स्टेशन, और अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। और आज का डे हमारा 183 और स्वागत करते हैं आपका फिर से बंजारास प्लैनेट के न्यू ब्लॉग में। तो देखते हैं आज कितना चल पाता है कितना नहीं, जबकि मैम से मिला दो, हम लोग सर तो चले गए यहाँ पे। हेलो मैम, हम लोग जा रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे स्टे कराने के लिए हमारा। नमस्ते। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और आपको दिखाएंगे कि आज क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। पिछले वीडियो में आप देखा होगा कि कितना मजा आया था, कितने अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट लिए थे, आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो बस देखते रहो, मजे करते बने रहो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना बाद में, और तब तक के लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन दबा दो, देखो मजे से सारी वीडियो। तो बाबा ऐसा है कि अभी हम लोग बस पुलिस स्टेशन से निकल पाए और भाई लोग जो हमको कल मिले तो वापस से मिल गए। तो आप लोग कहाँ जा रहे हो? बरपथार। हम भी वहीं जा रहे हैं, पर हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। गाइस ये लोग तो चले गए, हम भी चलते हैं। हम भी चलेंगे। गाइस अभी चलते चलते ऐसा हुआ है कि हमें कुछ लोग मिल गए जो रोक लिए हमको और बहुत सारा बात किया। उसके बाद हमको कुछ भाई लोग मिले जो हमारे शायद सब्सक्राइबर है और वो भी वीडियो बना रहे हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे ऐसे अधिकतर भी वीडियो बनाने के लिए लगे हुए हैं। हम लोगों ने शुरू की थी 7 अक्टूबर को रायपुर छत्तीसगढ़ से। अभी तक हम लोग 5 स्टेट अपने कम्प्लीट कर चुके हैं। अभी 6 स्टेट है हमारा, नागालैंड कोहिमा। और गाइज मतलब पूरे आसाम में हमने देखा है कि ये जो रेलिंग बनता है और ये जो रहता है ना, ये बॉम्बू से काट के बनता है। और भाई साहब ये कितना प्यारे तरीके से बनता है यार, मतलब हमारे यहाँ तो इसका लोहे वोहे का बनता है पूरा, पैसा वैसा खर्चा करके। और ये देखो कितना प्यार से बढ़िया तरीके से, देसी तरीके से, और इतना खूबसूरत भी लगता है ना। मस्त पूरा बैम्बू काट के बढ़िया तरीके से बनाया जा रहा है। गाइस ऐसा हुआ है कि चलते चलते मिले हमको एक भैया, एक क्या बहुत सारे भैया मिले, और अभी चल रहा है फोटो सेशन तो हमको मिले हैं भैया। हेलो भैया, कहाँ? कौशिक, बरपथार, गुलाहार डिस्ट्रिक्ट। हाँ तो भैया हमको मिले, और भैया अभी जो फोन लगा रहे हैं वो हमारे रहने के लिए करवा रहे हैं कुछ। कहाँ पे जाने वाले हैं? सरपथार में है, सरपथार घनसिक सब डिविजन का, गुलाहार डिस्ट्रिक्ट में सरपथार में है। ओके तो गाइस ऐसा है कि हम लोगों का भैया करा रहे रहने वहने का इंतज़ाम, तो ये तो बढ़िया हो गया आज, क्योंकि कल हमको नहीं मिला था कुछ भी। हम लोग पुलिस स्टेशन में रुक गए थे, बट आज भैया मिल गया तो हो जाएगा तो सारी चीज़ें। भैया आप बताओ ना, हुआ कि नहीं हुआ? अभी इन दोनों का रहने का, आज रात का रहने का और खाने का बंदोबस्त हम लोग करेंगे सुरपथार में, मतलब गुलाहार डिस्ट्रिक्ट के हम लोग ही करेंगे। अरे थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो गाइज सारी टेंशन, आज की टेंशन जो है ना खत्म हो गई, भैया ने करा दिया सब कुछ। तो भैया थैंक यू सो मच, शाम को मिलेंगे ना? बिल्कुल, तो भैया के साथ मिलेंगे, जैमिंग करेंगे बाबा, जैमिंग करेंगे ना? थोड़ा कर लेंगे बाबा। तो चलते हैं आगे और मजे करते हैं रास्ते के। तो गाइज हम लोग बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं क्योंकि चलते चलते थक गए हैं। और ये नज़ारा बड़ा शानदार है, यहाँ पे अपन जमीन पे बैठे हुए हैं, आए हाय अपन बैठे हुए हैं मस्त, थोड़ा सा सस्ता रहे हैं क्योंकि चलते चलते थक गए हैं। अभी तक 8 किलोमीटर चले हैं और समय कितना हो रहा, समय दिखाओ तो जरा। 12:04 हो गए 12:04 हो गए और हमको चलना है अभी 16 किलोमीटर और। गाइस तो हमने ये जो स्टिंग हमको मिला था ना वो हम खत्म कर दिए पी के, और अभी लंच वंच तो हुआ नहीं है तो उसकी कोई दरकार भी नहीं है। अभी हमको ऐसा लग रहा है कि दरकार नहीं है ना, कोनो दरकार नहीं। गाइस हमसे मिलने के लिए कुछ भैया लोग आए हुए हैं, तो हम आपको मिलाएंगे सारे भैया लोगों से। हेलो, हाय। और भैया हमारे लिए लाए हैं ये मैंगो। वाह थैंक यू भैया, हम लोग बहुत खुश हैं इस लोगों को मिलकर, बहुत खुश है। हमने बहुत वेट कर रहा हूँ इस दोनों के लिए। हम आया और देख रहा है इस लोगों ने घर में बैठ रहा कर ब्लॉग बना। अरे हम लोग ना सड़क के किनारे एक छोटा सा खेत है, फसल कटी हुई है, तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, भैया देख लिए और हम लोगों के लिए लाए मैंगो। बहुत ठंडा है और अब इसको चारों मिल के खत्म करने वाले, आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ये तो हमारे लिए सब्सक्राइब हो गया बाबा। तो हुआ ऐसा है कि भैया लोग हमसे मिलने आए थे, तो हमको लगा कि भैया बस हमको जानते हैं तो हमसे मिलने आए, हमारे लिए मैंगो लेके आए हैं, बस बैठ के अपने बात करेंगे
पर वो सब्सक्राइब हो गया ये कि ये जो भैया है वो न्यूज चैनल से भी है। कौन सा न्यूज है भैया आपका? अरे वाह, तो बाबा हम लोग देने वाले हैं मीडिया बाइट। फिर बाइट देने के बाद हम लोग निकलेंगे क्योंकि हम लोग काफी टाइम से यहाँ बैठे हैं, ऐसे मिलकर बहुत अच्छा लगा तो दे देते हैं बाइट। तो गाइस चलते चलते हमको मिला है ये छोटा सा होटल, हम खाने वाले हैं खाना क्योंकि लग रही है बहुत जोर से भूख। हमको मिले हैं भैया, इन्होंने बोला कि ठीक है मिल जाएगा। भैया ये जगह का नाम और अपने होटल का नाम बता दो। जगह का नाम है बरपठार गांव, बरपठार टाउन है। ओके, होटल भोजपुरी क्या है ये होटल का नाम। ओके, तो हुआ ऐसा था कि हमको नहीं समझ में आ रहा था होटल का नाम, तो हमने भैया को बोला भैया आप ही बता देना यार। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पे बैठे हैं। बहुत खूबसूरत सा है यार ये पूरा, यार बहुत प्यारा सा बना हुआ है। ये अपना भाई बैठा हुआ है, लगा हुआ है फोन में। तो हम लोग कर लेते हैं लंच एंड देन फिर आगे निकलते हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर चलना है और हमको? 10 किलोमीटर। यहाँ से हम लोगों को चलना है और 10 किलोमीटर, तो अपन चल लेंगे 10 किलोमीटर 3 घंटे में। तो अभी अभी का जो समय हो रहा है, तो अभी बज रहा है 3 और हम लोग पहुँच जाएंगे 6 बजे तक। गाइस बरपथार में खाना पीना हो गया है अपना मस्त बढ़िया तरीके से, एकदम पेट भर के खा ली। यहाँ तक आ रहा है आलस बहुत जोर का। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ के टाउन पे। तो यहाँ पे रोड बोर्ड का काम हम चल रहा है बहुत जोरों शोरों से, ये देखो है ना। और जिस रास्ते हम जा रहे हैं वो थोड़ा सा 4 किलोमीटर थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, पर ये रास्ता शायद ठीक है हद तक। तो हम लोग इस रास्ते को जा रहे हैं, एक शॉर्टकट भी था वो गाँव में होते हुए, वो 4 किलोमीटर कम पड़ रहा था, पर हम उससे नहीं जा रहे। हम थोड़ा सा टाउन होते हुए जा रहे हैं, एकदम गाँव से नहीं होते हुए जा रहे। तो ठीक है, ये भी मंजूर है। और बाबा हमको मिले हैं मीडिया वाले और यहाँ पे चल रहा है बहुत जोरों शोरों से बाइट, बढ़िया तरीके से सौरभ इंटरव्यू दे रहा है। तो पूरा इंडिया हम लोग जितना चलने वाले हैं वो करीब 20,000 किलोमीटर होने वाला है। तो गाइस हमको जाना है सारूपथार जो कि है यहाँ से 12 किलोमीटर। लोग चलते हैं और आगे ना मीडिया वाले खड़े हुए हैं जो कि हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखो बढ़िया तरीके से खड़े हुए हैं एकदम माइक वाइक लेकर के। हम लोग चलते हैं, बाइट वाइट दे देते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको चलना है 12 किलोमीटर। और हाँ जी दादा, हाँ बिल्कुल, अरे सर्वोत्तम में 1 घंटा में मिल जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं। गाइस इतना सारा चलने के बाद बाबा कितना चल लिया हम लोग? 23.5 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंचे हैं सारूपथार। ये है सर्किट हाउस का रेंट हाउस बोल रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचे हैं सर्किट हाउस। सर्किट हाउस पहुंचने का पूरा श्रेय जाता है हमारे ये जो भैया हैं हमारे, इन्होंने पूरा व्यवस्था कराया। जो दिन में मिले थे ना गाइस हमको पीछे पीछे, वही हैं ये, वही है, इन्होंने बोला था शाम को मिलेंगे और फाइनली हम लोग आ गए सर्किट हाउस। तो बाबा चलते हैं रूम पे, देखते हैं क्या है कैसा है। अरे चलिए, थैंक यू दादा, ठीक है। तो हम फाइनली सेकंड लास्ट रूम पे पहुंच गए, हमको पता था पहले से ही कि यही रूम मिलने वाला है हमको। ओ भाई ये तो बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। भैया आओ ना, वेलकम है आपका हमारे रूम में। आइए 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 सर, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए अपने रूम में, आया है बड़ा सा शीशा भी है, अरे गजब। तो ऐसा थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। गाइस ऐसा है हम लोग गप्पे शप्पे कर लेते हैं भैया से। गाइस अभी क्या हुआ, हम लोग बैठे हुए थे, फ्रेश वगैरह हो रहे थे, तभी अचानक से हमको कुछ भाई लोग आके मिले हैं। तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं और कहाँ से आए हैं आपको बताते हैं। बहुत दूर से आए हैं यार, कौन कौन? 80 किलोमीटर दूर से आए हैं ये दोनों भाई, 80 किलोमीटर दूर से आए हैं यार। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत प्यार आपको, थैंक यू। अच्छा लगा यार आप लोग आए मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो करने जाने के लिए गुड लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू। ठीक है, तो गाइस ऐसा है कि हम लोगों का खाना वाना सारी चीज़ें हो गई हैं और अभी हम लोग आ गए हैं घूम फिर के रूम पे वापस से। तो ऐसा है कि आज का जो दिन था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हम लोगों ने आज कवर किया 25.3 किलोमीटर। सौरभ भाई अपना सो गया था, हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत सारे मीडिया बाइट्स दिए और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी, चाय बागान देखा, चाय फैक्ट्री देखी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ब्लॉग में नहीं दिखी बट कोई नहीं, क्योंकि हम चाय फैक्ट्री और चाय बागान पहले भी दिखा चुके हैं तो इसलिए आज शूट नहीं किया। तो बाबा आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम अपना काम करते हैं, अब अपना काम करिए, तब तक मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय हिंद।